हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम अपने घर से जिम की ओर को निकल चुके हैं। आज ठंडा बहुत होने के कारण हमें गाड़ी में जाना पड़ा, नहीं तो हम बाइक में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाहर जो है ठंड बहुत कड़क के दार ठंड है। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों का, जय श्री राम। अभी हो रहा है 5:30। लग रहा है कल भाई ने नहीं देखा था हजरत, तभी आज तैयार है बनाने को। मतलब यहाँ पे देखिए भीड़ हो गई है चाय की दुकान में। बिल्कुल बिल्कुल, मसल बनाने के लिए हमेशा रेडी। इस टाइम पे आपको ज़्यादा भीड़ या तो नेपालियों की दिखेगी या ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की या बिहारियों की। अल्मोड़ा की तीन चीज़ काफ़ी फेमस है, अगर आप में से लोग मतलब कई लोगों को पता भी होगा और कई लोगों को नहीं भी पता होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम कल बताएंगे कि तीन चीज़ें वो क्या है। अभी आप कहेंगे कि बाल रोड यार पटाल बाजार पर, नहीं ये वो तीन चीज़ें नहीं है। वो तीन चीज़ें आपको हम बताएंगे। वो कुत्ते भी हमको चेस करते हुए, वो अब आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं पे हिंट में आ ही गया होगा। मतलब अभी तक में तो एक आध हिंट मिल ही गई होगी, शायद कुछ लोग समझ भी गए होंगे। अब शायद मेरे साथ गोलू बैठा है, शायद इसको समझ में आया हो या ना आया हो पता नहीं, इसको मैं बताऊँगा बिहाइंड द कैमरा। आशा करते हैं आपने पिछला जो हमारा ब्लॉग देखा होगा फोन वाला आपको पसंद आया होगा। हमें ऐसी सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसको देखिए और अपना बेस्ट जो हमने पार्ट है वो करा है, बेस्ट पार्ट उसमें कमेंट कीजिए कि रॉ है सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कट लगाया होगा, ये लगाया भी अपने काम को। सुबह इतने ठंड में लोग अपनी रोज रोटी के लिए कैसे चीजें करते हैं। आज हमें लेट हो गई, आज तिवाड़ी जी हमारे जो मोटिवेशन देते हैं हमें वहाँ, वो हमसे आगे निकल जाएंगे और आज उन्हें मौका मिलेगा कि हमसे कहने का, आज उपाध्याय जी आप लेट हो चुके हैं। पर हमारा फूफा बदमाश नहीं है ना, हमारे फूफा जी तो बहुत सीधा आदमी है। ना ही हमारा चच्चा विधायक है, जिसको हम ऐसा कहते हैं अरे तिवाड़ जी हमारा चच्चा तो विधायक है और हमारा फूफा बदमाश है। अब हम करवाला पहुंच गए हैं। देखिए हम कितना, इतनी ठंड है कि हमें मास्क टोपी अपर पहन के जाना पड़ रहा है। करवाला में भी आपको कोई नहीं दिखेगा, बस एक आध अंकल लोग जिनको नींद नहीं आती रात में, वही अपने डंडा डंडा लेके घूमने निकल जाते हैं। एक्सप्लोर करेंगे, एक आध दिन में आपको लेके जाएंगे, कहीं दिखाएंगे। दिखाया और लोगों ने भी होगा, बट हम थोड़ा तो कुछ अलग करने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। अब हम अपने जिम के पास पहुंच चुके हैं आरसीएम। अभी हम आपको शायद एक ऊपर से व्यू दिखाते हैं। गार्ड भी बैठा होगा अभी गेट खोलने के लिए, गार्ड साहब आएंगे। गार्ड भी नहीं लग रहा है मुझे, गार्ड बनना पड़ेगा। ले खोल पकड़ो उसको, तो अब देखो खोलू जाएगा गार्ड बनने के लिए। ये सब्सक्राइबर भी बढ़वा रहा है अभी सीधे जाके, ये देखिए भाई इधर को देख के, ये देखिए वो गार्ड साहब का फोन लेके खुद से सब्सक्राइबर बढ़वा रहा है। ये होता है किसी भी चीज के पीछे जील से लगना। ये है व्यू फ्रॉम आरसीएम टॉप सुबह का। अभी काफी कम लाइट्स जली हुई है, बट रात को ये बहुत ज्यादा हो जाती है। ये आपका स्टेडियम है, ये स्टेडियम है। इधर अगर आप जाएंगे इधर को, ये हमारा कलेक्ट्रेट है, यहीं पे हमारा मेडिकल कॉलेज है, यहीं पे हमारा विकास भवन है। सब तो चलो दोस्तों, अब हम जिम को चलते हैं, मसल बनानी भी जरूरी है। ये पुराने
हम जिम से वापस आ चुके हैं और ये देखो गोलू जा रहा है। इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर दी है इसने कि चलने में दिक्कत हो रही है। अभी गिरते गिरते बचा है। अब ये देखो फिर से इसकी बाट टूट चुकी है, इससे चला नहीं जा रहा बेचारे से। मैंने बोला जैसे कम एक्सरसाइज करे, देख पीछे देख, हेलो बोल दे। आपको कैसा लग रहा है? आपने कितने शॉट्स मारे थे? देखो जरा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई। ये देखो कैसा चल रहा है। क्या कहना चाहोगे भाई? लेग मुझे मारी आपने आज। हाँ ये देखो आज से मालूम है पैसा खत्म हो चुका है, पर यहाँ से जो व्यू आएगा कैड़ा व्यू आएगा कैड़ा। ये देखो डैम, ये देखिए। और ये लेग वर्कआउट करने के बाद हम छत में आए तो हमें कुछ इस तरह आसिम के रूफटॉप से ये व्यू देखने को मिला है। और आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए व्यू के साथ ये गोलू भाई, कुछ करके दिखाओ जरा। देखिए जरा देख, हेलो अभी ड्रोन को भी दिखाते हैं, कुछ तगड़ा ही दिखाएंगे। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, मतलब जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है वो शायद ही इस पे दिख पाएगा, बट बहुत औसम व्यू है, बहुत ज़्यादा औसम। सब लोग दिखाते हैं भाई, सब लोग दिखाते हैं, बट जो खासियत है वो सभी दिखाते हैं। जैसे विराट कोहली का सभी फ़ैन है, वैसे ही इस ब्यूटी के हम भी हैं फ़ैन। ये देखिए जैसे कि आपको बताया हम जिम गए, जिम में हमने लैग मारी आज, फिर हम के और को जा रहे हैं। जिम में काफ़ी हैवी वर्कआउट, आपने देखा होगा कि गोलू कैसा चल रहा है और कैसे गिर रहा है। गिरते पड़ते बेचारा रूफ टॉप पे आया है, गाड़ी में इसको बैठाया है और इसको मैं भोग के घर लेके जा रहा हूँ। भोगना इन द सेंस इसको अपने कंधे में नहीं, और गाड़ी में बैठाया घर तो छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, क्योंकि वहाँ से भी नीचे को जाना पड़ता है हमें। वहाँ से हमने दो क्या कहते हैं नेपाली की व्यवस्था कर ली है, जो मुझे घर तक छोड़ेंगे, जो इसको घर तक छोड़ेंगे। अभी बात कर रही थी भाई ने डोली वालों से कि डोली ले आना, डोली में बैठा के वहाँ घर जाऊंगा। हमारे वहाँ पहाड़ में तो क्या कहते हैं लड़कियाँ जाती हैं डोली में, लेकिन मान्यता ये है कि शादी के वक्त लड़कियों को डोली से उठाया जाए, पर हमारे वहाँ अब ये हो चुका है कि जैसे हमारा भाई जो चल नहीं पा रहा है आज, उसकी वजह से आज ये जाएंगे डोली में। घर में जाऊंगा मैं, घर वाले कहेंगे यार हमारी बहू आ चुकी है, फिर हमें बोले बड़े बहू नहीं ये तो आपका बेटा है।